सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इसलिए हमें दिखावा और कृत्रिमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बनावटी नहीं होना चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज हम मिल ये समस्याएं सभी। श्रोताओं एवं दर्शकों, क्या आपके जीवन में, आपके मन में इच्छा होती है कि आप को लोग महान कहें? तो मैं कहूंगा कि यदि हाँ, तब फिर आप महान होने की इच्छा भी नहीं रखते। महानता एक गुण है, महानता एक कैरेक्टर है, महानता एक नेचर है, और नेचर में महान वो लोग होते हैं जो स्वभावतः चरित्रवान होते हैं। चरित्रवान वो होते हैं जो कर्मठ होते हैं, कर्मठ वो होते हैं जो कर्म करते हुए एहसास नहीं करते कि हम कर्म कर रहे हैं, बल्कि वो क्रियाशील होते हैं, वैसे ही जैसे कर्मण्यवादी कारस्ते महाफलेशु कदाचन, कृष्ण जी कहा करते थे कर्म करते जाओ, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। अर्थात ऐसे लोग जो भाग्यवादी नहीं होते वही लोग महान होते हैं। योगी कौन, उपचारक कौन, परोपकारी कौन, जिसकी प्रवृत्ति में लगे रहना होता है, और जो लगा रहता है यंत्रवत लगा रहता नहीं, विवेकपूर्ण लगा रहता है, वह महान होता है। और महान रात को सोए और सुबह महानता आ गई, ऐसा भी नहीं होता। और महान लोग भीड़ से ये भी अपेक्षा नहीं करते कि लोग उनके पीछे पीछे उनके श्रोता हो जाएं, उनके फॉलोवर हो जाएं, उनके भक्त बन जाएं। ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ने वाले, सम्मान पूर्वक योग से उद्योग की ओर प्रयोग पूर्वक बढ़ने वाले लोग महान होते हैं। उनकी महानता से सारा विश्व ब्रह्मांड लाभान्वित होता है। क्यों? कि वो दिखावा नहीं करते, उनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, उनके बारे में कह सकते हैं कि वो सच्चे इंसान होते हैं। और सच्चा इंसान वो होता है जो महान होता है, जो विद्वान होता है, जो बुद्धिमान होता है, और जिनमें शैतान नहीं होता। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इसलिए हमें दिखावा और कृत्रिमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बनावटी नहीं होना चाहिए। और निरंतर जैसे सृष्टि चल रही है, जैसे सांसें चल रही हैं, हमें चलते रहना चाहिए, तभी प्रगति होती है, तभी विकास होता है, तभी सतयुग आता है। इसलिए पढ़ते हो तो मन से पढ़ो, अध्ययन करते हो तो ध्यान से करो, और ध्यान धारणा और समाधि से एकाग्रता आती है। इसलिए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न और प्रयास हम सभी को करना चाहिए। इसी में जनहित है, इसी में विश्वहित है। धन्यवाद।